हीट वेव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई राज्यों में गर्मी की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बिहार में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों के साथ साथ चुनावी अधिकारी भी बुरी तरीके से इसके चपेट में आ गए हैं। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि राज्य में 10 चुनावी कर्मियों समेत 14 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में सातवें चरण के मतदान से पहले शुक्रवार 31 मई 2024 को बड़ी घटना सामने आई है। यहां दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक भांगड़ में मतदान से पहले शनिवार सुबह भी हिंसा हुई है। रिधिमा पंडित और शुभमन गिल को लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी खबर आ रही थी। कहा जा रहा था कि रिधिमा गिल की दिल की धड़कन बनने के लिए तैयार है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट्स की माने तो रिधिमा पंडित ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल से जग गई। वो सब मेरी शादी के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैं शादी कर रही हूँ या नहीं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला होगा तो मैं खुद इस बात की घोषणा करूंगी। इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आज से देश के विभिन्न शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगभग 70 रुपए तक की कटौती की गई है। हालांकि इस कटौती का लाभ सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर ही मिलेगा। घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम पर इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हर साल बिग बॉस ओटीटी कलर्स पर छाया रहता है। इस बार बिग बॉस सीजन 3 जून से आने वाला है। इस शो के होस्ट अनिल कपूर होंगे और इसका प्रोमो भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार केस में नाबालिग आरोपी की मां को शनिवार यानी 1 जून को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नाबालिग आरोपी की मां पर अपने बेटे का ब्लड सैंपल बदलने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने का आरोप है। भारत में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 1 जून को सातवें चरण के मतदान के साथ ही लोगों की नज़र 4 जून को आ रहे चुनाव के नतीजे पर टिक जाएगी। चुनाव के चलते शेयर मार्केट में भी भारी उठापटक मची हुई है। विदेशी निवेशक चुनाव नतीजे की आशंका के चलते लगातार मार्केट से पैसे बाहर निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी दिग्गजों की धड़कनें। इंडिया गठबंधन ने बुलाई बैठक, नतीजे को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी का विवेकानंदन रॉक पर 45 घंटे का ध्यान। कन्याकुमारी में आज खत्म होगी पीएम मोदी का कार्यक्रम। विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरा। आज से बदल जाएगा नियम, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड समेत कई नियमों में होगी बदलाव, आम जनता पर पड़ेगी असर।